वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा तो केवल वैदिक मंत्रों का निर्णय करती है और दूसरे शास्त्र है वे अपने पदार्थ मानते हैं अलग अलग निर्गुण कर्म समान समान अभाव ऐसे पदार्थ मानते हैं प्रकृति पुरुष मानते हैं ऐसे
इनका अध्ययन होता है। और भगवत गीता का आरंभ होता है ये मनुष्य शरीर को लेकर। अर्जुन बहुत शोकाविष्ट हो गए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, अशोच्यानंद अशोचस्तम यहाँ से होता है। मनुष्यों के दुख कई तरह के हैं, पर खास दुख है ये शोक चिंता का। उसमें गता सुन अगता सुन से नान शोचंदी पंडिता, पंडित जो मर गए उनके लिए, जो जीते उनके लिए चिंता नहीं करते। लोग कहते हैं जीते हुए चिंता कौन करता है, मर गए उनका शोक होता है। मर गए शोक तो एक बार होता है, जीते का उम्र भर शोक चिंता होती है, कैसे निर्वाह होगा, कैसे क्या होगा। गता सुन अगता सोच, जिनके प्राण चले गए उनके भी नहीं प्राण गए उनके लिए। पंडित शोक शोक नहीं करते, पंडित ना पंडा नाम है सदस्य विवेक भी बुद्धि, वह जिसके पैदा हुई वो इस प्रति होने से पंडित बनता है। विवेकवती बुद्धि वाला पुरुष होता है वो पंडित है। सज्जनों मनुष्य में विशेषता क्या है, इसमें विवेक बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि से इसकी महिमा है। पशु पक्षियों में ही है विवेक बुद्धि, परंतु वे केवल खा ले और अपने गांव है शीत है सुरक्षा कर रहे इतनी है, और इसमें इतना विवेक है अपना कल्याण कर सकता है, दुनिया का कल्याण कर सकता है। बहुत विवेक बुद्धि इसमें मुख्य है। जितने संसार के जीव सब में विवेक बुद्धि मुख्य मनुष्य में, तो मनुष्य का उद्धार कैसे हो, तो यह अशोच्यानंद सुया से चला देही नित्य मवे झुलम तक, ये है 30 से 20 लोगों में। उसमें लोग कहते हैं कि आत्मानात्मा का विवेचन है, आत्मानात्मा विवेचन नहीं है। आप कह दो मैं आत्मा अनात्मा ईश्वर प्रकृति ब्रह्म जीव ये शब्द नहीं आए, 20 लोगों में शब्द नहीं है। यहाँ है देह देही का विवेचन, हम जितने बैठे हैं ये शरीरधारी और शरीर प्रकृति का अंश, और स्वयं है परमात्मा के अंश ईश्वर अंश जीवनाशी, तो ये दोनों मिलकर के मनुष्य होते हैं। तो दोनों मिलकर के तो इसके दो तरह की इच्छा होती है, शरीर की प्रधानता होने से संसार की इच्छा होती है, और स्वरूप की प्रधानता होने से परमात्म तत्व की इच्छा होती है। सदा के लिए निहाल हो जाऊं, कभी दुख न हो, क्योंकि सदा रहने वाला स्वयं जीवात्मा है, शरीर सदा रहने वाला नहीं है, परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। तो उस तात्विक विचार है, खास तात्विक इसका जो विवेक है वो विवेक प्रधान है। तो इच्छा भी हमारी दो तरह की होती है, सांसारिक अनुकूलता की और एक कल्याण की। धर्मशास्त्र जो लिखा है तो अभ्युदय निशेष सिद्धि धर्म, धर्म वो है जो अभ्युदय हो और निशेष भी हो, लौकिक उन्नति भी हो और कल्याण भी हो। तो लौकिक उन्नति है ये शरीर की प्रधानता में, और आत्मा का कल्याण हो ये स्वयं की प्रधानता से। प्राय लोगों के शरीर की प्रधानता है, आत्मा क्या अनाथ वाली जब विचार करते ही नहीं। यद्यपि इस मानव शरीर में इसके करने के लिए ही जिम्मेवारी है, पर इसी नहीं करते विचार। शारीरिक सुख कैसे हो, अर्थ में सुख कैसे हो, परलोक में स्वर्ग आदि हो जाए सुख कैसे हो, ऊपर ही विचार करते हैं। तो उसमें कामना होती है मन में कि ये पदार्थ मिल जाए, सुख मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आराम मिल जाए और भोग मिल जाए। संग्रह और भोग दो पर ज्यादा आग्रह है, और संग्रह और भोगों पर आग्रह वाला कल्याण नहीं कर सकता। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम त्रयापृतिसाम व्यवसायत्म बुद्धि समाधो न विधीयते, परमात्म विषय निश्चय बुद्धि की नहीं होती। जो भोगों में आश्रय मनु संग्रह करना सुख भोगना, ये दो में मनुष्य विशेषता लगा हुआ है, इससे परलोक नहीं सुधरता है, लोग भी सुधर जाए ये नियम नहीं है। क्योंकि लौकिक उन्नति होती है उसमें कर्म की प्रधानता है, भाग्य की प्रधानता है, क्रियमाण की प्रधानता है,
आध्यात्मिक उन्नति में कर्मों की प्रधानता नहीं है, उसमें विवेक की प्रधानता है। विवेक सब समय काम करता है और तो उस विवेक की प्रधानता है। इस वास्ते दो तरह की इच्छा होती है, एक सांसारिक उन्नति की, एक अपने कल्याण की। तो कल्याण की इच्छा होती है वो आपके स्वरूप को लेकर के। क्यों कल्याण स्वरूप का होगा? कल्याण शरीर का नहीं होगा, पदार्थों का नहीं होगा, व्यक्तियों का नहीं होगा। वो जो स्वयं इसका मालिक है उसका कल्याण होगा। तो कल्याण की इच्छा होती वो आपकी खास आवश्यकता है, और पदार्थों की भोगों की जरूरत होती है ये इच्छा है, ये कामना है, आशा है, तृष्णा है, वासना ये है। कामना और आवश्यकता दो चीज है। आवश्यकता पूरी होती है, मिटती कभी नहीं, और इच्छा का त्याग ही होता है, पूरी कभी होती ही नहीं। क्योंकि इच्छा करने वाला भी जड़ता प्रधान लगता है और पदार्थ भी जड़ता की प्रधानता से है, तो इच्छा कभी भी पूरी नहीं हुई। कई इच्छाएं सबकी पूरी होती है और कुछ ऐसा किसी की पूरी नहीं होती। अपने अपने जीवन को भाई बहन देखें तो उम्र में कई हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो इच्छा की पूर्ति इच्छा के अधीन नहीं है कि इच्छा जागृत होती है तो इच्छा पूर्ति होती है, ये नियम नहीं है। इच्छा पूर्ति का विधान है भगवान की तरफ से। पहले जो कर्म किए उनके अनुसार फल मिलता है, तो उसमें वो पूरी होने वाली इच्छा होती है वो इच्छा तो पूरी हो जाती है, और न होने वाली इच्छा पूरी नहीं होती। दोनों का विश्लेषण आदमी कर नहीं सकता। इस वास्ते कई इच्छा पूरी होती है, कई इच्छा नहीं पूरी होती। तो इच्छा का पूर्ण होना इच्छा के अधीन नहीं है, वो विधान के अधीन है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। कर्म किए जाए क्रियमान है, और एक संग्रह उसको संचित कहते हैं, और उससे फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो गए उन कर्मों का प्रारब्ध नाम है, उन कर्मों का असर होता है। तो इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, इन दोनों का विश्लेषण हर एक जगह होता नहीं है। मैंने संत महात्माओं से सुना है, संतों की वाणी पढ़ी है, उनकी पुस्तक पढ़े है, उससे मेरे को इस तरह का ख्याल हुआ है। आवश्यकता और इच्छा, जैसे आपकी भूख लगी तो भूख में खाद्य पदार्थ की भीतर आवश्यकता है वो है भूख, और जो खाने की इच्छा है वो है इच्छा कामना। अनुचित साधिश है वो चाहिए, ये जीभ को लेकर स्वाद को लेकर जो होती है वो इच्छा होती है, और पेट में कमी का अनुभव होता है वो भूख होती है। भूख की पूर्ति होगी, मिटेगी नहीं, मर जाएंगे मत, मिटेगी नहीं। भूख आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति होती है। ऐसे ही पारमार्थिक चीज जो इच्छा है वो है आपकी आवश्यकता, और संसार की इच्छा है ये कामना। इच्छा और कामना में ये भेद, इच्छा कामना और आवश्यकता। तो आवश्यकता परमात्म तत्व की है, कामना संसार की है। तो कामना कभी पूरी नहीं होती, किसी की नहीं होती, कुछ होने वाली हो जाती है, नहीं होने वाली नहीं होती। और आवश्यकता का नियम है कि जागृति हो जाए तो इसकी पूर्ति जरूर होगी, कारण के आवश्यकता परमात्म तत्व की है। किसको? जो परमात्मा का अंश है उसको। और इच्छा किसको होती है? जो प्रकृति का अंश है शरीर, उसको। शरीर को लेकर के इच्छा होती है, भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह हो जाए, आराम मिल जाए, आदर सत्कार हो जाए, ये सब इच्छाएं हैं। और मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओ, ये आपकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता जागृत होती है तो इच्छाएं मिट जाती है, पर इच्छाएं बहुत जोर से होने पर भी आवश्यकता मिटती नहीं, दब जाती है इच्छाओं का गाड़ी, पता नहीं लगता है, पर वो मिटती नहीं। वो पूर्ण होने से ही मिटेगी, और वो पूर्ण होगी ही, नियम है, इच्छा का नियम नहीं है। इच्छा किसी की भी सब पूरी नहीं हुई। इतिहास में आप देख लें, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हुई हो, और कुछ पूरी हुए कुछ नहीं पूरी हुई, पर इच्छाएं ज्यादा होने से वो ढक गई, वो आवश्यकता जागृत हो जाए, मेरा कल्याण हो।
उसे लिए भगवद गीता में लिखा है छठे अध्याय का 22वां श्लोक, यंग लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तत। यंग लाभम लब्ध, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर तत अधिगम अपरम लाभम न मन्यते, उससे फिर दूसरे लाभ की इच्छा नहीं होती। और यशनिष्ठित हो दुख है ना गुरुणा भी विचार लेती, उसमें स्थित होने पर गुरुणा भी दुख है, बड़े भारी भयंकर दुख से भी वो विचलित नहीं होता। दो पहाड़ों के बीच में दे जाता टूटा टूटा दिया तो आवश्यकता की पूर्ति होगी, पर वो आवश्यकता पूर्ति होने पर छोटे छोटे टुकड़े किया जाए तो उसे दुख नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का ही वियोग, दुख का स्पर्श नहीं है, ऐसा वो आनंद है, उसकी प्राप्ति हो जाए। और सज्जनों उसकी प्राप्ति इस शरीर के रहते रहते हो जाती, उसके लिए ही मानव शरीर मिला है, और शरीर ऐसा नहीं है। देवाधिक सुख भोगने के नरक में सुख भोगने के लिए है, संदर्भ जीवन सुख दुख भोगने के लिए है, परंतु कल्याण के लिए एक मानव शरीर है। इसमें वो विवेक है जिसे जान सकता है ये इच्छा है, ये हमारी कामना है, ये हमारी आवश्यकता है। तो आवश्यकता जागृत होने पर इच्छा मिट जाती है और आवश्यकता पूरी हो जाती है। जब तक आवश्यकता पूर्ण जागृत नहीं होती, अच्छा इच्छाएं साथ रहती है, तब तक इच्छा पूर्ति नहीं होगी, आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी। और इच्छाओं का समापन हो जाए, नष्ट पूरी हो जाए, इच्छाएं मिट जाए, तो आवश्यकता पूरी हो जाती है। मानो इच्छा के ऊपर ही इच्छा और आवश्यकता अवलंबित है। संसार की इच्छा होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है, तो संसार की इच्छा के ऊपर आवश्यकता और इच्छा दोनों अवलंबित है। इच्छा मिट जाएगी तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तत्काल आवश्यकता पूरी के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ेगा। अगर इच्छा है तब तो आवश्यकता पूरी होगी नहीं और इसे कोई होगी नहीं, दुख पाते ही रहेंगे, अनंत जन्म होने तक भी नहीं होगा। तो ये आवश्यकता अपने क्या है, आवश्यकता क्या है कि जिसके आप अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सौराशि, ईश्वर का अंश है ये। तो इच्छा की इच्छा आवश्यकता ईश्वर की है और इच्छा किसी है शरीर की है। तो शरीर के लिए इच्छा किए बिना भी इच्छित पदार्थ मिलेगा। प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भद्रेशी रघुवीर। इसमें मिलने वाली चीज मिलेगी, अपना तत्परता से उद्योग किया जाए तो सुगमता से मिलेगी, और कर्तव्य का पालन ठीक नहीं किया जाएगा तो कठिनता से मिलेगी, पर निर्वाह होगा। निर्वाह का विधान है, पर लखपति करोड़पति होने का विधान नहीं है, इस निर्वाह का विधान है। जैसे हम अपनी माँ का जन्म लेते हैं तो माँ के दूध आ जाता है, वो भगवान के आवश्यकता है दूध भी उसके लिए, बच्चे के लिए। जब तक दांत नहीं तब तक दूध देते हैं, दांत देने पर अन्न खाते हैं, तो वो पहले होती है। इसी तरह से इस जन्म में सुख दुख आदि के भोगों की इच्छा जात्यायुर्भोग तीन होते हैं, कर्मों का फल तस्य विपाको को जात्यायुर्भोग, जन्म होना, आयु होना और सुख दुख भोगना, ये पहले नसी है, पहले होता है, पीछे शरीर मिलता है। जैसे माँ के दूध पहले हुए जन्म पीछे होता है, इसी तरह से जन्म होना और आयु होना और उसमें सुख दुखदायी परिस्थिति आना, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति है, ये सुख दुख देने वाली नहीं है परिस्थिति है, वो तो अनुकूलता प्रतिकूलता रूप से आ जाएगी। अनुकूलता में आप राजी हो जाए, प्रतिकूलता में दुखी हो जाए, ये आपकी मर्जी है। प्रारब्ध सुखी दुखी नहीं करता है, सुखी दुख करता है अज्ञान मूर्खता, अनुकूलता मन में राजी हो जाए, प्रतिकूलता दुखी हो जाए। सुख हर से जड़ दुख मेरे खाई, दो सम धीरे धरे मनमानी, धीर पंडित दोनों बुरबर रहता है, जड़ होते हैं सुख में खुश हो जाते हैं, तो ये पशु पक्षी होते हैं। वृक्ष भी अनुकूलता मिलने पर हरे भरे हो जाते हैं, प्रतिकूलता कुमला जाते हैं। तो पशुओं में, पक्षियों में, राक्षसों में, भूत में, प्रेत में, पिशाच में, देवताओं में किसी फर्क नहीं, ये सुख दुख होता रहता है। अलग हम दिन रात्रि दिन के बाद दिन रात
दुख मिट जाए, आनंद लाभ तो सबसे बढ़कर हो जाए और दुख सपने भी नहीं, दुख संयोग वियोग दुख का स्पर्श ही न हो। कहते हैं शरीर काटा जाए तो दुख नहीं होगा, दुख कैसे देगा, वो तो दर्द होता ही है, दर्द और चीज है, दुख और चीज है, जहाँ पीड़ा होगी वहाँ दर्द होगा, अधिक दर्द होगा तो मूर्छा हो जाएगी, बट दुख नहीं होता, दुख कैसे क्या होता, अब क्या करें, क्या होगा, अब कैसे होगा, ये है दुख। तो जहाँ पीड़ा होती वो होता है दर्द, दुख होने से दर्द बहुत ज्यादा होता है, और दुख न होने से दर्द हो जाता है, परवाह नहीं। जैसे किसी का कांटा निकाला जाए, कांटा गहरा बैठ गया, उसको निकाले तो खून आने लग जाता है, वो शिकार करता है, छोड़े ना ना छोड़ नहीं छोड़ नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ, पीड़ा तो बड़ी हो रही है परंतु छोड़ना नहीं, निकल निकल, तो क्या है, दर्द तो है दुख नहीं है, सुख हो रहा है या दर्द हो रहा है, दर्द और चीज है, सुख दुख और चीज है, तो दर्द तो होगा शरीर में परंतु दुख नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, दर्द इतना हो सकता जिसे मूर्छा हो सकती है, परंतु मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी, विपरीत से विपरीत अवस्था में प्रसन्नता रहती है। सज्जनों भाइयों बहनों ख्याल करो, आप ध्यान दो, हम जीते जी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जो हर हाल में खुश है, बुरे मर्द भी जो हर हाल में खुश है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में हम प्रसन्न रहे, ऐसी स्थिति अपने आप की हमारी इस जीवन में हो सकती है, बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि उसके लिए ही मानव शरीर मिला है, मानव शरीर का और मतलब नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता में हम प्रसन्न रहे, अनुकूलता सुख का भोग होता है, योग होता है वो परमात्मा के साथ संबंध, वहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ कीमत नहीं रखती, महान आनंद रहते हैं, आज का दिन आ गया, रात आ गई, रात आ गई, दिन आ गया, क्या फर्क पड़ता है, रात में करने लायक रात में काम करो, दिन में करने लायक दिन काम करो, दुख किस बात का है, तो ऐसी स्थिति आप हम सब प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी तरफ भाई लोग ध्यान नहीं देते, धन हो जाए तो सुख हो जाएगा, पद मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, परिवार अनुकूल हो तो सुख हो जाएगा, धन धान्य हो जाए तो सुख हो जाएगा, ये बहम है, अधिक से अधिक धन वाले से आकर मिल लो, अधिक परिवार वाले से मिल लो, अधिक से ऊंचा पद मिले उनसे आकर मिल लो, इसे शांति नहीं होती, शांति तभी होगी कि जो आप खुद की प्रसन्नता होगी, कब कि जिससे आप बिछड़े हैं उनकी प्राप्ति हो जाए, जैसे अग्नि से बिछड़ने पर वो कोला हो जाता है, अग्नि में जो चमकता है बस अग्नि से दूर होते ही काला कोला हो जाता है, वो काला कोला हो गई उजला सौ मन सावण लगा, सौ मन सावण लगा दे तो उजला नहीं होगा, अग्नि में धरो चमक उठेगा, ऐसे ये परमात्मा से विमुख होकर गए, इंद्र का पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, बड़े बड़े पद मिल जाए, ये कोला अपना मिटेगा नहीं, और परमात्मा प्राप्त हो जाए चमक उठेगा, दुख रहेगा नहीं, संताप रहेगा, नजीक नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके वियोग से ये कोला बना है उसका संयोग होते ही चमक उठेगा, और वो सब के सब हो सकते हैं, पारमार्थिक उन्नति करने के लिए सबके सब अधिकारी है, पर लोग उन्नति करने के लिए कोई भी स्वतंत्र नहीं है, अगर स्वतंत्र हो तो कम से कम लखपति तो सब हो ही गया, लखपति कम क्यों रहे, हाथ की बात नहीं है, प्रत्यक्ष बात है, सबके अनुभव की बात है, भजन स्मरण करने का, नित्य कर्म करने का, पाठ पूजन करने का, संध्या गायत्री करने का उपदेश दिया जाता है तो तुम करो, परंतु पैसे के लिए उपदेश नहीं कि पैसा कमाओ, रोजाना 5 रुपए कमाएंगे 10 कमाएंगे, एक आना भी कमा लोगे हाथ की बात नहीं है, और सैकड़ों पैसा एक दिन में हजारों कमा सकते हो, पर 5 पैसा भी कमा लोगे नहीं हाथ की बात नहीं, ये आपके बात नहीं, और भजन आप रोजाना लाख नाम ले श्री भगवान का, हर हमेश अमर भर, बीमार तो पड़े पड़े ले लो, लेने में समर्थ वो तो लेते नहीं, लेना चाहते वो हाथ आता नहीं, तेरे गुरु से
अगर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए उन्नति अवश्य होती है, नियम है जरूर, क्योंकि मानव शरीर मिला ही इसी के लिए है। अगर वो सिद्धि नहीं हुई तो मानव शरीर की सफलता ही क्या हुई, मृत होता है। सब भाई बहन यहाँ तक अभी सुदुराचार हो भलते मामला ने भाग सुदुराचारी सुष्ट दुराचारी सांग उपांग दुराचारी, दुराचार में कोई उपांग भी बचे नहीं, पूरा का पूरा दुराचारी हो, पर भगवान को अनन्य भाव से भजे तो साधु संबंधव्य साधु मानना चाहिए। ये मंतव्य हुक्म है, हुक्म आज्ञा विधि है, साधु मानना चाहिए तुम्हें मान लो, पर वो सम्मत वाक्य है मानो, क्यों कि तुम सुखी हो सकते। क्षिप्रम बोधि धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, भजते माम अनन्य भाग, एक बाण करुणा दान की सो प्रिय जाके गति न आन की, एक भगवान का इशारा, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम साथी दास। तो भक्ति के लिए अब चेत सुब्रत शब्द है, तत्व ज्ञान के लिए अब चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम व्याकरण समाप्त होगी, अपनी चेतसी पापेभ्य बहुसन दिया बहुमत संतोष नहीं, सर्वे के लिए सभी पापे भी समझ में पड़ा, अब चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पापकृतम पापकृत पापकृतर और पापकृतम अतिशय तो मिशन अत्यंत पाप, अब चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्रवे नहीं संदेश, ज्ञान भी नौकर सो उतर जाएगा। ऐसे पापी से पापी भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और पापी से पापी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पापी से पापी योग की प्राप्त कर संग से भुक्त से ज्ञानावस्थे यज्ञ आचरित कर्म सर्वग्र प्रीति, कर्म योग से शब्द हो जाए, भक्ति योग से नष्ट हो जाए, ज्ञान योग से नष्ट हो जाए। आपकी जिस बात रुचि हो कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। सब मनुष्य इसके अधिकारी, बालक सबके सब माँ की गोद में जा सकते हैं, उसे लिए फीस देनी नहीं पड़ती, योग्यता करनी पड़ती, अपने को सुंदर बनाना नहीं पड़ता, विद्वता नहीं करनी पड़ती, माँ के नाते ऐसे भगवान के हम हैं, तमेव माता च पिता तमेव, भगवान हमारी माता है, माँ के चरणों में जाने के लिए हम सब स्वतंत्र है, किसी के लिए कभी मनाही नहीं है। इस अभिषेक शुद्ध आचार अभिषेक ऋषि पापी भी है, कैसे है परमात्मा दूसरे सोते हैं, संसार में अधिकार नहीं मिलेगा, दो आदमियों को बरोबर धन नहीं मिलता, बरोबर योग्यता नहीं मिलती, बरोबर शरीर नहीं मिलता, बरोबर निरोगता नहीं मिलती, बरोबर आदर नहीं मिलता, बरोबर सत्कार नहीं मिलता, बरोबर महिमा नहीं होती, संसार की चीजें दो भी बरोबर नहीं होगी, और सर्वोपरि होगा तो एक होगा दुनिया मात्र, दो होने सर्वोपरि नहीं होगा, और भगवान के सर्वोपरि सबके सब बहु ज्ञान तपसा पूता बदलाऊंगा तद बुद्धे सदातरायण गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान सब के सब परमात्मा प्राप्त हो जाए। मात्र प्राणी जिसमें विस्तृत मनुष्य सबसे पहले, आप किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, कैसी योग्यता है, किस आदमी कोई जरूरत नहीं, भाई हो बहन हो रोगी हो निरोग हो साधु हो गृहस्थ हो बालक हो जवान हो बूढ़ा हो जैसे हो आप परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा के यहाँ योग्यता नहीं चलती है, योग्यता जहाँ अधिकार होगा अयोग्य पर भी होगा, आपकी योग्यता होगी तो आपके समान योग्यता पर आपकी योग्यता सफल नहीं होगी, अगर आपसे अधिक योग्यता पर योग्यता सफल नहीं होगी, योग्यता होगी अयोग्यों के सामने, तो आपकी योग्यता अयोग्य तो दी है, न योग्य ने दी है और न अधिक योग्य ने दी है, अधिक योग्य नहीं, आपकी विद्वत्ता विद्वानों से नहीं मिली है, मूर्खों से मिली है, आपसे कम बचे हुए उनके द्वारा आप विद्वान हुए हो। गांव में एक लखपति है, दूसरे सब शतपति सहस्त्रपति है, तो लखपति की बड़ी महिमा है, सब करोड़पति है, आप लखपति हो तो है महिमा, तो वो महिमा दी गई गरीबों की, इस वास्ते गरीबों के सबके सब ऋणी है, उनकी सेवा नहीं करते कृतज्ञ है,
उनके कान साहब बड़ा पद पाया है। मूर्खों कान साहब विद्वता मिली है, आपसे अधिक विद्वानों में आपको विद्वता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। इस वास्ते जो कम पढ़े लिखे हैं उनके पढ़े लिखे ऋणी है, ऐसे कम धनी है वे धनवानों के ऋणी है। ऋण है आपका, उन धर्मों की सेवा करो तो पूर्ण हो जाओगे। मन में सोचा पुण्य किया, पुण्य क्या किया आपने? आपका पद वास्तव में ठीक है सेवा करने के लिए। इस तरह से मनुष्य जन्म में आप संसार की सेवा कर सकते हैं और भगवान को याद, दो ही बात, भगवान को याद कर सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे याद करते हो? अबशेर पापे में सर्वे दे, अबशेर सुराधारो शुद्राचारो साधु रेव संबंधव्य, भगवान के साधु रेव संबंधव्य, उसको साधु मानना चाहिए। ये प्रमुख संबंधवा के हुक्म है, आज्ञा है, विधि है। क्यों महाराज कैसे माने? अपिसे शूद्राचारो भजते मामन निभाग, शूद्राचार ये भजते का करता है, पापी भजन करता है, पापी वो पुण्यात्मा हो जाए, क्षिप्रम हो जाए धर्मात्मा, शाश्वत शांति धर्मात्मा नहीं, शाश्वती शांति सदा लय शांति प्राप्त होता है। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग का ये नहीं कि तेल धारावत चिंतन नहीं, न अन्यम भजती, जैसे पतिव्रता होती है तो पतिव्रता का ये नहीं कि पति का ही चिंतन होता है, ये नहीं, व्रत है अपना, पति व्रत है, व्रत नियम अपना है, उसके सिवा कोई नहीं है, पति की जगह कोई नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। इस तरह से भगवान का भजन ही करना है, एक व्रत हो जाए। पतिव्रत हरि का नहीं है, शास्त्र में लिखा है, संतों ने वाणी में लिखा है, ऐसे भगवान की प्राप्ति करना है हमें, ये अनन्य भाग। तेल धारवा चिंतन नहीं, वर्षों तक भजन करने वालों का मन पूरा लगता नहीं है, परंतु उद्देश्य ही जरूर होता नहीं है, हमें तो भजन करना है, चाहे कुछ भी हो, सुख आओ निंदन नीति यदि वास्तु लक्ष्मी समावेश गच्छत वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् तथा प्रचलन्ति पदलन धीरा, न्याय वस्ते उसी को विचलित नहीं होंगे। ऐसे अनन्य भाग हो जाए, आप जिस वर्ण में जिस आश्रम में जैसी परिस्थिति में वहां से सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं कि साधु बनो वानपद बनो सन्यासी बनो तेजी बनो, ऐसा भी है, परंतु भगवान के लिए सीधा रास्ता है, आप जहां से वहां से सीधा भगवान के लिए, किसी दलाल की जरूरत नहीं, गुरु ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं, केवल आपकी भूख चाहिए। आप परमात्मा जानते नहीं, परंतु परमात्मा आपको जानते हैं, उसको केवल चाहते भगवान को, आपको विद्या मिल जाएगी, योग्यता मिल जाएगी, उपाय मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, ग्रंथ मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त वत्सल कान में वह पूंज घट ही जाए, ये आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति अवश्य तो होती है, और इच्छा की पूर्ति नियम नहीं है। आवश्यकता जागृत होनी चाहिए, आवश्यकता जागृत होने में पूरी होगी, कमी रहेगी नहीं, किसी कारण से नहीं होगी तो योग भ्रष्ट हो जाएगा। अति श्रद्धा योग में तो योगा चलित मानस अप्राप योग संसिद्धि कांग संगति, भगवान से अर्जुन पूछते हैं तो योग भ्रष्ट हो जाता, योगी नाम है उसी तरह से सीमा तो अधूरा रह जाएगा, दूसरे नंबर हो जाएगा, ये तो इसे पूरा होगा, ये नियम है। उसके लिए ये मानव से सज्जनों कृपा करो, केवल विचार, केवल दिल दृष्टि के मतलब भगवान का भजन करना है। आपको महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, ग्रंथ मिल जाएंगे, बात मिल जाएगी, उपदेश मिल जाएगा, आप जैसा चाहो वैसा मिल जाएगा, केवल आपकी इच्छा जोरदार चाहिए। विश्वास गुरु ग्रंथ की जरूरत नहीं है, उद्धरे आत्मा आत्मान आत्मान अवसा दिए आत्मे आत्मा नो बंधु आत्मा आत्मा उद्धरित न अवसा दिए पतन न करे, अपना ही आप गुरु है, आप ही अपना शत्रु बंधु आत्मा आत्मन से आत्मा अनात्म अनात्मन शत्रुत्व आत्म शत्रुवत, आपके मन की इच्छा चाहिए केवल उद्धार की, सब संयोग ठीक बैठ जाएगा, महत्व मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, ग्रंथ मिल जाएंगे, आपके अनुकूल मिल जाएंगे, आप जिस मार्ग के चलने वाले उस मार्ग का मिल जाएगा, भगवान यही प्रबंध है।
कृष्ण मंदिर जगत गुरु है, वो प्रधान अध्यापक है, वो आपकी क्लास बदल देगा सब जाओ 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 जगत गुरु में। इस वास्ते केवल आपके घर की तो केवल इच्छा चाहिए, घर की सामग्री थी मेरे तो कल्याण करना चाहिए, किसी तरह से मेरे तो कल्याण हो जाएगा, केवल इच्छा ये घर की चाहिए। जैसे हमारे को भूख लगे तो आप भिक्षा आप दे सकते हो, पर भूख दे सकते हो यहाँ भूख जाएगी आप, भूख घर की चाहिए। ऐसे केवल इच्छा मेरा कल्याण हो, ये आपकी उत्कट अभिलाषा हो, जरूर पूरी होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस जन्म में गए भी थोड़े भाग में, पूरी भाग दूर गई थोड़े भाग में इच्छा पूरी हो जाएगी। इस वास्ते सज्जनों केवल आवश्यकता की जागृति करेगी। मीरा भाई ने कह दिया मेरे तो फिर धर्म का दूसरों ने कुछ जाके सिर मोर मोट मेरे को सोई, मेरे तो फिर धर्म का दूसरा ने कुछ अनन्य भाव से उसमें लग जाओ, जरूर सिद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है। क्यों मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, इसमें सिद्धि होगी तो कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ऐसे क्यों नहीं होगी। शरीर इसलिए मिला है, इस वास्ते भगवत प्राप्ति के विषय में कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा करनी नहीं चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार की आशा ही दुख है और नैराश्य है परम सुख। यथा संचिध्य कांत आशाम सुखम सुशला पर मिला, तो परमात्मा की केवल अभिलाषा जागरूक केवल, आपके घर के इतनी जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब सामग्री मिल जाएगी, सदा के लिए मौज हो जाएगी। केवल अभिलाषा एक ही चाहते हम तो परमात्मा प्राप्ति। बहुत सागर धनता से बुद्धि व्यवसाय, व्यवसाय बहुत सागर होने आनंद बुद्धि होती है, यहाँ तो व्यवसाय से बुद्धि एक का एक निश्चय बुद्धि कल्याण करना है। केवल आप निश्चय कर लो कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, इसका पता नहीं है, पर होगा जरूर संदेह नहीं है। किसी किस तरह से होगा, किसी को गुरु मिलेगा, ग्रंथ मिलेगा, परिस्थिति मिलेगी, अवस्था मिलेगी, क्या होगा, पर कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये आवश्यकता है, आपकी खुद की आवश्यकता है और संसार के धन की भोगों की मान आदर सत्कार की निरोगता की ये इच्छा है। ये हो भी जाए ना भी हो जाए, और वो जरूर होगा, और संसार भी हो भी जाए तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, दोनों नहीं मिल जाएगा। लड़का जन्मा वो बड़ा होगा कि नहीं संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं संदेह है, इसके बाल बच्चे होंगे नहीं वो संदेह है, धनी बनेगा नहीं संदेह है, बट मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं, निसंदेह बात वो तो ये तो अनिवार्य है, मरना ही पड़ेगा। और फिर कितनी सिद्धि हो जाए तो असिद्धि, असिद्धि हो जाए तो सिद्धि, एक ही खाता होगा, कितना ही धन हो गया, अरब कलाओं द्रव्य है, अरब कलाओं उदयस्थलो राज है, अरब कलाओं द्रव्य है उदयस्थलो राज, तुलसी जो निज मरण है तो अब क्या काम है, उदयस्थलो राज, राज्य में सूर्य से नहीं होता कितना राज्य आपका हो जाए, अरब घर में धन हो जाए पर मृत्यु समय कोई ये काम आएगा नहीं, वो राज्य से इच्छा में काम न वास्तव में गया और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो आप नहीं औरों को निहाल कर दोगे, आप निहाल हो जाओगे। और वो मौका है अभी मानव शरीर का, परमात्मा प्राप्ति का सब अधिकारी ग्रंथों के अधिकार में तो अलग अलग बात बताई है, योग्य अयोग्य होता है, अधिकारी अनाधिकारी होता है, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, माँ की गोदी के सब बालक अधिकारी, ऐसे तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें हुआ। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए और संसार की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। काम करो, आशा आशा का मूल्य नहीं है, वह तो दुख है, आशा ही परम दुख और निरीक्षण परम सुख, तो आवश्यकता पूर्ति जरूर होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, पूर्ति हो तो अपूर्ति, अपूर्ति हो तो अपूर्ति, और परमार्थ पूर्ति हो तो पूर्ति, अपूर्ति हो पूर्ति, दूसरी तरह हो जाएगा वो तो काम पूरा होगा ही, क्योंकि आवश्यकता है वो जरूर पूरी होने वाली है। इस वास्ते परमात्मा की तरफ चलने का केवल आप विचार करो, केवल आप विचार करो, ऊपर है
गुरु मिल जाएंगे, ग्रंथ मिल जाएंगे, उपाय मिल जाएंगे, सब सामग्री मिल जाएंगे। कृष्ण बंदे जगत गुरु ये हेडमास्टर है, प्रधान अध्यापक है, क्लास बदल देंगे आप क्या क्या योग्यता है। ऐसी घटना मैंने देखी, ऐसी देखी है। जिसके पास रहता है उसके पास ठीक हो जाएगा, छोड़ना चाहते नहीं, पर ऐसा संयोग बैठाते हैं दूसरी जगह जाए तो उसे से मात्र मिल जाए। तब भवन ने भगवान का क्लास बदल देते। आप रोते रहो तो आपकी परवाह नहीं करेंगे, जहाँ कल्याण होगा बैठा देंगे। ऐसा प्रबंध है भगवान के। तो सज्जनों केवल आपके घर की तो इच्छा चाहिए, जैसे हमारे घर की भूख चाहिए, माता है कोई भूख करती चाहिए, केवल अभिलाषा आपकी चाहिए। उत्कट अभिलाषा जरूर पूर्ति होगी, जरूर संदेह नहीं है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है। और भगवान के साथ संबंध आप जोड़ने में स्वतंत्र है, संसार के साथ जोड़ने में स्वतंत्र नहीं है। क्यों? भगवान के आप हैं, वो कोयला अग्नि का अंश है, अग्नि से बिछड़ने से काला हुआ है, भगवान से दूर होने से ये दुखी हुआ है। भगवान के सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशी कब ही जब ही कभी बात है सबके लिए बता दे। सब हमसे दूरसार हो रहा, हमसे पापे सर्वे व्यक्त, अब इससे बढ़े क्या करूंगा। वो जरूर प्राप्ति होती है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। केवल अभिलाषा बढ़ाओ और सत्संग करो, आपके लिए सत्संग असली मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक ब्राह्मण मिले थे, खदर का एक कपड़ा, लंगोटी कपड़े खड़े, एक डंडा हाथ में और कुछ नहीं सामग्री। वो कहते मैंने बहुत सेठों की रसोई बनाई है, बस चलाई है, मोटर चलाई है। बड़ौदा में मैं साइकिल पर जा रहा था तो पीछे एक मोटर आई, तो मोटर गए क्या इधर क्या उधर बीच में जा रहे हो, होश हो गया क्या इधर क्या उधर जो कोई इधर उधर बात नहीं गई। अरे बीच में क्यों चलते है, उधर चल रहा उधर से तो विचार किया भैया उधर ही चले, सब छोड़ दिया और बसने में लग गया। कोई परवाह नहीं देखा। तो इसलिए भगवान उपदेश देते हैं, किस में रहेंगे ऐसे पता नहीं है। अब ड्राइवर ये थोड़ेगा कि तुम भजन करोगे चाहे संसार में जाओ, अरे बीच में क्या क्या इधर क्या उधर, जागृति हो गई, चेत हो गया। ऐसे भगवान चेताते हैं, किस बालक के द्वारा कैसा उपदेश देंगे पता नहीं है। युक्ति युक्त हो पा रही मसल बालक आ जाओगी वो भी कह देगा। तो भगवान की कृपा है। सज्जनो मैं तो ये मानता हूँ आप में कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं बचेगा कि जिसको भगवान का आदेश न हुआ हो, आपने चेत किया हो न किया ये बात अलग है, पर तो आपके जीवन में जरूर मौका मिला है। और वो एक बार कोई मौका मिलता है वो संस्कार पड़ते हैं, फिर सत्संग छोड़ नहीं सकता हूँ। ये भगवान के में सबके प्रबंध है सबके लिए। आप उत्कट अभिलाषा कर लो बस काम ठीक मेरा पार हो जाएगा। उद्धरेत आत्मना आत्मान आत्मान आत्मना आत्मान उद्धरे, अपने से अपना उद्धार करे। स्वयं आत्मना आत्मान पुरुषोत्तम, अपने से अपना उजाला। इस वास्ते आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता परमात्मा की है। सब जितने हैं सबका भी परमात्मा प्राप्ति की है। धन तो मिला है, ज्यादा कम सब मिला है, पर उसके लिए समय मिला है आपको बढ़िया। मानव जीवन का समय यह सर्वोत्तम है, इसकी प्राप्ति होने पर परमात्मा प्राप्ति का निमंत्रण हो गया। जब मानव शरीर मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति का निमंत्रण दे दिया। अब आपके अधीन है, आप उद्धेत करो चाहे अवसादित करो, मुझे मन भी आपकी ये बात स्वतंत्र। इस बात से जनो भगवान की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए, और संसार की आशा रखनी चाहिए। आशा रखो तो पूर्ति हो जाएगी, नहीं तो पूर्ति हो जाएगी, वो आशा के अधीन नहीं है। कुछ भी आशा मत रखो, बड़ी सुगमता से पूर्ति होगी, आशा रखो तो कठिनता से होगी। आपको मिलने वाला भोजन कपड़ा अनुकूल परिस्थिति आशा रखो तो कठिनता से पूर्ति होगी, आशा नहीं तो सुगमता से पूर्ति होगी, वो तो होगी ही, उसमें इच्छा को कारण नहीं है, वो तो होने वाली है। अवश्य देव भोगतम कर्म शुभाशुभम
ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैः रूपी, वो भय जरूर मिलेगा। इस बात से संसार की साधना करके केवल परमात्मा की प्राप्ति करना, और सब अधिकारी जिसमें गीता बहुत विशेष कहती है, गीता सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों और स्त्रियां पांच, अभिशू दुराचारी और पाप योनि सात। पहले पाप किया वो पाप योनि है, या शूद्र आचार वर्तमान में पापी है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय किम पुरुष ब्राह्मण पुण्य भक्त राज्य श्रेष्ठ था अनित्य वर्ष प्राप्त मुझे स्वभाव सब अधिकार, और अर्थ अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु सब तरह की भगत जरूर प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल आप तैयार हो जाए। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 16 सितंबर 1997 को कुचामन सिटी में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम